हेलो स्टूडेंट्स, तो हम 8th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें आपका 3 चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जिसमें कि मैंने स्क्वायर आपको बता दिया था और मैंने एक्सरसाइज 3A में फर्स्ट क्वेश्चन तक आपको बता दिया था। अब हम सेकंड नंबर पर क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें लिख रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका फर्स्ट जैसा ही है, इसमें ही प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको फाइंड कर लेना है कि किसका वो स्क्वायर था। मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। आप पिछली वीडियो देख लें जिसने नहीं देखी है। बाई थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं बाई वॉट लीस्ट नंबर शुड द गिविन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें लिखा है बाई वॉट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया 3675। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये पता करिए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, चलिए 3675 प्राइम फैक्टर करेंगे। आपको पता है यूनिट डिजिट 5 है, 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35, 1 बचेगा, 5 3 जा 15, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 3 बचेगा, 5 7 जा 35। अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा आप ये देख लीजिए। 147 किससे कैंसिल होता है, तो 8 और 12 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि इसके यूनिट इसके डिजिट का सम 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 से देंगे आप, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, और 3 9 जा 27। अब ये फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से फिर 7 से 1। तो ये आपके इसके आगे प्राइम फैक्टर्स, इनको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि 5 × 5 × 3 × 7 × 7। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है इन दोनों नंबर का तो पेयर बन गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है इस नंबर को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो लीस्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जिससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े। तो आप देखेंगे कि अगर इस 3 का मैं पेयर बना दूं तो पेयर कैसे बनेगा कि आपको यहाँ पर अपनी तरफ से 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीस्ट नंबर यही होगा, क्योंकि अगर 3 से छोटा अगर 2 करेंगे आप तो ये पेयर बनेगा नहीं। हमको तो पेयर बनाना है, इसलिए 3 से ही 3 को देखकर आपने 3 ले लिया, क्योंकि 3 और 3 का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। तो आप देखिए इन दोनों का भी क्या बन गया, पेयर बन गया। इसका मतलब क्या है कि लीस्ट नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किया वो क्या होगा, लीस्ट नंबर इज इक्वल टू 3। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। मतलब ये आपको जो न्यू नंबर आया उसका स्क्वायर क्या आएगा। तो देखिए न्यू नंबर क्या आया आपका, 5 × 5 × 7 × 7 × 3 × 3। ये तो बन गया आपका नंबर जब आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 5² × 7² × 3² इक्वल्स, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 7 × 3² और इसको आप लिख सकते हैं, ये कितना हो गया, 735 और 3। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 5 × 3 15 15 × 7 15 × 7 105 105 का स्क्वायर। तो ये जो आपका नया नंबर आएगा वो क्या आएगा, 105 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, 105 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे ऐसे ही करेंगे इसके अंदर। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, इसमें आपसे मल्टीप्लाई करने की बोल रहा है, उसमें आपसे बोल रहा है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टी डिवाइडेड
मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें डिवाइडेड करना है आपको, डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से, कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए फोर्थ ले लिया आपने, इसमें है 3380। तो इसके सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 प्राइम फैक्टर 3380। तो देखिए 3380 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए 2, 1 बचेगा 2 6 जाए 12, 1 बचेगा 2 9 जाए 0। अब ये फिर 2 से जाएगा, 2 8 जाए 16, 2 4 जाए 2 5 जाए 10। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 6 जाए और 5 9 जाए, और 169 है आपका 30 से जाएगा, यहाँ पे भी 30 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। ये आपके हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो इस नंबर को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 13 × 13। तो आप देखेंगे 2 और इस 13 का तो पेयर बन गया, अब इस 5 का पेयर नहीं बना। अब अगर आपसे बोलता कि व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड, तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन आपसे पूछा है डिवाइड, किसका डिवाइड करें, तो आप अगर इस पूरे में 5 का ही अगर डिवाइड कर दें, 5 का ही अगर डिवाइड कर दें, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज आप 5 से अगर कोई भी छोटा नंबर लेते हैं 4, तो ये 5/4 रहेगा, कुछ फायदा नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लीस्ट नंबर कौन सा आ गया, इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और नंबर क्या बनेगा आपका, न्यू नंबर ये बनेगा 2 × 2, और 5 तो हट ही गया, 13 × 13, और इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 13 का स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 13 का होल स्क्वायर, और 13 टू जा कितना होता है 26 का स्क्वायर, यानी ये जो नंबर आएगा आपका क्या बनेगा, 26 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो लीस्ट नंबर ये आएगा आपका 5। ठीक है, और जो नंबर बनेगा वो बनेगा ये। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें 5 और 6 में से एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अगर आपसे बोला है 3 डिजिट नंबर, तो आप देखिए लार्जेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है आपका वो क्या होता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू होगा आपका 999। लेकिन ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो उससे नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे आगे जाएंगे तो फिर 4 डिजिट का बन जाएगा। तो आप 999 को देखने पर आपके दिमाग में एक बात आती है, सर 13 × 13 होता है 900, यानी 900 कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको चेक करना है कि 900 से और 999 के बीच में अगर कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देखेंगे 31 कर लीजिए, 31 × 31, तो 31 × 31 करेंगे तो आपको मिलेगा 961, और इसके आगे आगे जाएंगे आप 32 × 32 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप करके देख लीजिए 32 × 32, तो ये हो जाएगा आपका 64 की 4 कैरी आएगी आपकी 6, और 33 हो जाएगा आपका 90 + 6 = 96 और 6 आपका हो जाएगा 102। तो आप देखेंगे 32 का स्क्वायर आपका 4 डिजिट में चला गया, ये कितना आ गया, 4 डिजिट का आ गया, आपको तो 3 डिजिट का चाहिए, तो ये आंसर आपका परफेक्ट होगा, जो कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। क्योंकि अगर आपने 30 × 30 ले लिया तो 900 आ रहा है, ठीक है ना, और इससे भी आपको चाहिए 900 और 999 के बीच में, तो इसके बीच में भी 961 आ रहा है, ये भी तो 3 डिजिट का नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर है। ये लेंगे आप बोलेंगे सर 32 को क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि ये आपका 4 डिजिट का नंबर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन 4 डिजिट का बन गया, उसने आपसे बोला है 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या हो सकता है, 961, जो कि 31 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस बाकी 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप उसको अपने दिमाग से करेंगे। 1st एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, मिलते हैं 2nd एक्सरसाइज में। थैंक यू।